लग रहा था कि बीजेपी उनका टिकट काट देगी और वैसा हुआ भी, क्योंकि उनकी जो मम्मी है उनको तो टिकट मिला है मेनका गांधी को, लेकिन वरुण गांधी का टिकट कटा है। और तमाम जो जानकार हैं सियासत के वो यही बात कह रहे हैं कि वरुण गांधी ने जिस तरह से बीजेपी के अंदर रहकर ही पार्टी की मुखालफत की, पार्टी के खिलाफ बयानबाजी की, साथ में जो मोदी सरकार की तमाम पॉलिसीज थी उनके ऊपर उन्होंने सवाल खड़े किए, इसी के मद्देनज़र बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया। क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या अब एक बेहद बड़ा बदलाव होता हुआ नजर आ सकता है? क्या अब बाजी पलटते हुए नजर आ सकते हैं बीजेपी से सांसद वरुण गांधी? जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से उन्हें प्रस्ताव मिला है, लेकिन क्या अब सपा मुखिया अखिलेश यादव भी कोई अहम दांव खेलते हुए नजर आएंगे या नहीं? नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी। अमन जी, जिस तरह से पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी को प्रस्ताव मिला है हाल ही में कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि आप यदि कांग्रेस में आते हैं तो आपको टिकट मिलेगा, आप चुनाव भी लड़ेंगे, बीजेपी ने जिस तरीके से आपका टिकट काटा है ऐसा यहाँ पर नहीं होगा, बल्कि वरुण गांधी एक अच्छी छवि के नेता है, वह साफ तौर पर कह रहे हैं साफ सुथरी छवि के नेता हैं, एक बड़े नेता हैं, और ऐसे में देखा जाए तो वरुण गांधी अगर कांग्रेस में आ जाते हैं तो उन्हें पूरा पूरा फायदा होगा। लेकिन क्या इस बीच यहां पर सपा मुखिया अखिलेश यादव एक बड़ा दांव खेल सकते हैं? क्योंकि अटकलें कयास तो पहले भी तेज थी, अब भी तेज हैं कि सपा कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को टिकट दे सकती है। बीते कुछ दिनों पहले ही राम गोपाल यादव ने भी बयान दिया था कि अगर बीजेपी टिकट काटती है तो हम इस पर सोच विचार करेंगे, और दूसरी ही तरफ यह भी कहा गया कि निर्दलीय अगर चुनाव लड़ते हैं वरुण गांधी तो उन्हें कांग्रेस और सपा समर्थन दे सकती है। क्या वाकई में समाजवादी पार्टी अब वरुण गांधी को टिकट दे सकती है? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, वरुण गांधी एक बड़े नेता हैं और जाहिर बात है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से लग रहा था कि बीजेपी उनका टिकट काट देगी और वैसा हुआ भी, क्योंकि उनकी जो मम्मी है उनको तो टिकट मिला है मेनका गांधी को, लेकिन वरुण गांधी का टिकट कटा है। और तमाम जो जानकार हैं सियासत के वो यही बात कह रहे हैं कि वरुण गांधी ने जिस तरह से बीजेपी के अंदर रहकर ही पार्टी की मुखालफत की, पार्टी के खिलाफ बयानबाजी की, साथ में जो मोदी सरकार की तमाम पॉलिसीज थी उनके ऊपर उन्होंने सवाल खड़े किए, इसी के मद्देनज़र बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया। क्योंकि ऐसे तमाम सारे नेता हैं जो अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करते हैं बीजेपी में रहकर, उनके टिकट बीजेपी ने काटे हैं। आप देखिए, चाहे प्रज्ञा ठाकुर हों या फिर हम देख रहे हैं रमेश भिदुड़ी हों, ऐसे तमाम सारे बड़े चेहरे हैं जिनको अब मेरे ख्याल से बीजेपी ने मन बनाया है कि ऐसे नेता जो लगातार जिनकी वजह से पार्टी की छवि को नुकसान होता है, ख़राब होता है, उनको जो है प्रत्याशी ना बनाया जाए। इसीलिए वरुण गांधी का टिकट भी कहने के बीजेपी ने काट दिया। जो आपने कहा कि क्या इसके बाद वो कांग्रेस पार्टी में जा सकते हैं, क्या सपा में जा सकते हैं, क्या निर्दलीय चुनाव में उतर सकते हैं, देखिए अभी राजनीति का जो कह सकते हैं पड़ाव है उत्तर प्रदेश के अंदर वो अभी कई चरणों में आना बाकी है। 19 तारीख को पहला चुनाव है जिसमें उत्तर प्रदेश की तमाम सारी जो पश्चिम यूपी की सीटें उसके ऊपर चुनाव होने वाला है, इसके बाद जो है जो पीलीभीत है और तमाम सारी सीटें उसके ऊपर चुनाव होगा। तो ऐसे में अभी वरुण गांधी के पास मौका है सोचने समझने का कि थोड़ा दिन वो इसको लेकर जरूर मंथन करेंगे, लेकिन जिस तरह से अधीर रंजन हों या अखिलेश यादव हों या फिर रामगोपाल यादव हों, इन सब ने जिस तरह से वरुण गांधी को ऑफर दिया है उससे ये समझ में आता है कि वरुण गांधी भले ही बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ रहे हो, लेकिन उनको लेकर तमाम सारी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अभी से उत्सुक होती हुई नजर आ रही हैं कि अगर वरुण गांधी कहें तो हम उनके लिए तुरंत टिकट ऑफर कर देंगे, सीट ऑफर कर देंगे। लेकिन फिलहाल वरुण गांधी ने पूरे के पूरे मामले पर चुप्पी साधी हुई, क्योंकि उनकी मम्मी तो चुनाव लड़ी रही हैं, तो ऐसे में कहीं बीजेपी की कोई और पॉलिसी तो नहीं है वरुण गांधी को लेकर, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि हो सकता है वरुण गांधी को किसी और तरह से बीजेपी इस्तेमाल करे, क्योंकि अभी तक वरुण गांधी ने भी खुलकर बीजेपी के खिलाफ कुछ भी शब्द नहीं बोले। वाकई अब यही देखना होगा कि बीजेपी ने क्या कुछ अलग सोच विचार कर रखा है वरुण गांधी के लिए। फिलहाल तो इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन सपा मुखिया अखिलेश यादव का अगला रुख क्या कुछ होगा ये काफी ज्यादा अहम हो चुका है। देखते हैं कि राहुल गांधी जो कहते हैं साफ तौर पर कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही इस बात पर जवाब देंगे कि कांग्रेस में वरुण गांधी को आना चाहिए या फिर नहीं, और ऐसे में सपा और कांग्रेस का गठबंधन उत्तर प्रदेश में है, देखते हैं कि अखिलेश यादव यहाँ पर भी एक दाव खेलते हैं या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।